नमस्कार, मैं कमलेश द्विवेदी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ के ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी पाठ 1, मैं ढूंढता तुझे था। इसके कवि हैं, कवि परिचय करवा दें आपको हम। कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म 4 मार्च 1881 जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी और इनकी भाषा, जिस भाषा में इन्होंने साहित्य की रचना की है, इनकी भाषा है खड़ी बोली हिंदी और उर्दू। इन भाषाओं में इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। इन साहित्य सेवा के साथ करते करते, इस साहित्य सेवा को करते करते इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को प्रयाग में हुई। अब यह कविता मैं ढूंढता तुझे था, इसका केंद्रीय भाव है। इस कविता के माध्यम से कवि ने ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि ईश्वर निराकार है। अज्ञानता बस हम ईश्वर को इधर उधर तलाशते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण है, वह निराकार रूप में हमारे पास हमेशा विद्यमान होते हैं और हमेशा ही हमारे क्रियाकलापों पर उनकी निगाह होती है। ये इस भाव के साथ आगे मैं आपको पाठ का को विस्तार से समझाता हूँ।